हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा DIY तुलसी टर्मरिक फेशियल टोनर शेयर कर रही हूँ जो आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर, ग्लोइंग और शाइनी बनाएगा, और साथ ही इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम यंग, खिली खिली और टाइटन अप हो जाएगी। ये आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को रिड्यूस करता है और पिंपल्स, एक्ने, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डल स्किन की प्रॉब्लम को भी कम करता है। ये टर्मरिक तुलसी टोनर स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है, जिससे स्किन में कम ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इस फेशियल टोनर को बनाने के लिए हमें लेनी है हाफ बॉल तुलसी लीव्स। तुलसी में विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन सेल्स को डैमेज होने से बचाती है, और साथ ही तुलसी में हीलिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जो ब्लड को साफ करने और घाव को भरने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है टर्मरिक यानी हल्दी। मैं यहाँ पर इस तरह की साबुत हल्दी यूज कर रही हूँ। ये आपको मार्केट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर में इजीली मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास साबुत हल्दी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इस हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। हल्दी हेल्थ के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी कंपोनेंट होते हैं, और साथ ही हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल होती है। ये स्किन में होने वाले एक्ने स्कार्स, एक्ने और सनबर्न जैसी प्रॉब्लम को दूर करती है। हल्दी में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है और ये स्किन से डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स को भी कम कर देती है। हल्दी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करती है। नेक्स्ट, अब इस तुलसी टर्मरिक टोनर को बनाने के लिए हमें एक पैन में एक गिलास पानी लेकर उसमें तुलसी लीव्स और हल्दी को डाल देना है, और फिर इसे थोड़ी देर के लिए यानी कि मिनिमम एक बॉयल आने तक बॉयल करना है, और उसके बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब ठंडा होने के बाद मैं इसे छान लूंगी। नेक्स्ट, इसमें ऐड करना है 3-4 टेबल स्पून रोज वाटर। रोज वाटर एक नेचुरल एस्ट्रोजेंट की तरह काम करता है। यह हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने में हेल्प करता है और स्किन में उन बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है जिनके कारण हमारे फेस में एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने ऐड करना है वह है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन में न्यू सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और सनबर्न, इन्फेक्शन, एलर्जी, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स को भी दूर करता है। लास्ट में अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। ग्लिसरीन स्किन से डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करके स्किन को सॉफ्ट बनाता है। अगर आपको फेस में ग्लिसरीन सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। और ये हमारा तुलसी टर्मरिक फेशियल टोनर तैयार है। अब हमें इसे एक स्प्रे बोतल में भर लेना है, और इस टोनर को यूज करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, फिर आप इस नेचुरल होममेड टोनर को फेस में अप्लाई करें। वैसे तो तुलसी टर्मरिक फेशियल टोनर का यूज सभी स्किन टाइप वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यह टोनर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हल्दी स्किन से निकलने वाले एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करती है और तुलसी स्किन इन्फेक्शन को दूर करती है। आप इस फेशियल टोनर को फ्रिज में कम से कम 2 वीक्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाली मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आप घर में ही हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए मॉइस्चराइजर क्रीम बनाना चाहते हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, और आपको क्रैक्ड हील की प्रॉब्लम है तो आप इस सेकंड वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।